सो गाइज वी आर शूटिंग द क्लाइमेक्स सीन कसौटी जिंदगी बसौटी जिंदगी यहाँ शॉर्ट चल रहा है और इसको देख लो क्या कर रही है इसको इसकी पार्टी हो रही है अंकु सो हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण के ब्लॉग सो लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है सो गाइस काफी लंबे समय से वीडियोस नहीं आ रहे मैं माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से कि काफी लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था मैं आपसे अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या है उसका कारण कि क्यों उतने समय से वीडियो नहीं आ रहे हैं और वो रीजन था कि मेरा एक लाइफ का पहला एक वीडियो एल्बम सॉन्ग मेरा आया है ऑन यूट्यूब ओनली ऑन डांस मास्टर द डांस स्टूडियो चैनल पर वो हमने काफी मेहनत से उसको शूट किया है काफी ज्यादा दिन लगे उसमें और काफी ज्यादा स्टोरी वगैरह पे सोचना एंड ऑल सब चीज चल रहा था इस कारण से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था व्लॉगिंग करने का सो फाइनली अब वो वीडियो आ चुका है और टचवुड उस वीडियो की काफी लोगों ने तारीफ करी है काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी तारीफ करी है एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने उस वीडियो के बारे में बहुत अच्छा कमेंट किया है अब वो देखिए उन्होंने क्या बोला है नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं किला मेजर साहब मेहंदी इंटरनेशनल खिलाड़ी जय हिंद हिंदुस्तान की कसम राजू चाचा राजा को रानी से प्यार हो गया फिल्मों में शाहबाज अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर जैसे सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर कामयाबी के नए नए कीर्तिमान करते गए खैर हम आपसे इस वक्त वतन परस्ती पर बहस मुबाहसा करने नहीं आए आज मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ शुभांगी सोमया तरुण और डांस मास्टर की एंटायर टीम उन्होंने एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया है मुझे बहुत पसंद आया उम्मीद है आपको पसंद आएगा मैं डांस मास्टर की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपना प्यार दें और स्टे सेफ Stay at home, stay healthy, stay happy. और खुदा से दुआ है कि हम इस महामारी से जीत जाए और ये भी गुजर जाए. Thank you so much. जय हिंद. सो गाइज अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप चाहे तो वहाँ पे वो जाके वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को जो वीडियो हमने शूट किया था उस वीडियो को जो पूरा बिहाइंड द सीन है जो बहुत ही ज्यादा फनी और बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा है उसे शूट किया है वन एंड ओनली सनी पुरोहित ने जो अपनी कॉलर है नहीं लेकिन फिर भी उसे ऊंची करते हुए सो यहाँ पे सनी ने उसे शूट किया तो सनी कैसा था एक्सपीरियंस क्योंकि पूरे ऑल द टाइम मैं तो शूट में बिजी था और सनी बिहाइंड द सीन जो भी थे किस तरह से हमारा शूट हो रहा है किस तरह से वीडियो बन रहा है वो सारा सनी ने शूट किया सनी कैसा था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग था हम सबके लिए क्योंकि ये चीज हमको हम पहली बार ये ट्राई करते जो हमारा बचपन से हमको एक्टिंग का जो बोलते ना कीड़ा है तो बचपन से जो कीड़ा था वो फाइनली वो कीड़ा बाहर निकल रहा था जवानी में जाके बाहर निकला जवानी जाके बाहर निकला सो मजा बहुत आया और ये जिम्मा मैंने खुद ने ले लिया था मेरे ऊपर की बिहाइंड द सीन में शूट करूं क्योंकि एक्टिव में ही रहता हूं उस चीज ये क्योंकि जब भी कोई चीज हो रही होती है तो सनी का मोबाइल खुलता है मतलब यार इतना भयंकर वाला एक्टिव रहता है ये कि जैसे कोई चीज हो रही होती है इसके हाथ में कैमरा होता है तो सनी वीडियो चालू कैमरा हाथ में इसके मतलब बोलने से पहले इसके हाथ में कैमरा होता है इतना ज्यादा मैंने बिहाइंड द सीन लिया है मतलब 15 से 20 GB तो मतलब मेरा मोबाइल खाली हो गया 15 से 20 GB का इसने बिहाइंड द सीन यस तो बिहाइंड द सीन आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है वो बिहाइंड द सीन और कैसा रहा हमारा शूट सो चलिए एंजॉय कीजिए आज इस बिहाइंड द सीन इतना जो बना है सनी ने इतनी मेहनत करी है इसके पीछे सो होल क्रेडिट गोज टू सनी एंड बाकी का जो है वो हम अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी सनी ने बहुत मेहनत करी बिहाइंड द सीन तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में लेट्स गो सो वी आर शूटिंग BTS ऑफ आंख उठी मोहब्बत ने सो लुक टेस्ट इज गोइंग ऑन कौन सा लुक जम रहा है कौन सा लुक नहीं जम रहा है वी आर टेस्टिंग इट कौन सा लुक जम रहा है ओह माय गॉड नहीं मैं मुंह से बात कर रहा हूँ मैं मुंह से बात कर रहा हूँ चाचा को मारना है चाचा को मारते हैं यस चाचा छोटे हैं इसलिए मारते हैं छोटे हाँ चाचा ने सही कहा सुनी सो मेकअप टाइम सो द बॉयज आर रेडी Waiting for the setup. Bang. Yes. It's been a long time. Getting ready for the shot. सबसे पहला shot बहन का ही हो रहा है. बहन से शुरुआत हो रही है shoot की. Attitude में रहता है भाई. So अभी कौन से shot की तैयारी हो रही है? अभी फिलहाल रात के 11 बज चुके हैं और अभी हमारा एक dream sequence वाला shot है. इसमें लड़का सोचता है लड़की के बारे में तो वहाँ पे है नहीं. अभी आगे और देखो और भी क्या क्या होता है. इस पूरे video
इनका विशेष टिप्पणी ली जाए। आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, रात के फिलहाल बज चुके हैं वैसे 11:30 और हमारी मेन लीड को डाउन। इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पेक ज्यादा करवा ले भाई। 5-6-7 गो तो बाल किस्तों में उड़ रहा है। बेइज्जती, ध्यान नहीं दिया, सफा बेइज्जती हो गई सर। एक बार फिर सर। हाँ सर, किस्तों में बाल उड़ रहे हैं। हाँ उसमें एक बार मुड़े, अच्छा लग गया। क्या लेके आए? अरे उधर देखो, एयर में तेरे उड़ते बाल। तो गाइस अभी शॉट को बनाने की तैयारी चल रही है, हवा के लिए कुछ जुगाड़ हो रहा है। आप ये मत सोचो कि वो सुनको धक्का ही देने। नोप। शूट चल रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। वैसे भी टाइम कितना हो रहा है? 12:30 या 1 12 बज रही है और अभी भी शूट चल रहा है। आज का पैकअप हो गया फाइनली। सो गाइस फाइनली डे 1 पैकअप। कौन कौन भूखा है भाई, कौन कौन भूखा है भाई? लगी है। आप भी भूखे हो ना भाई? जबा 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 सो वी आर ऑल सेट फॉर डे 2। अभी हम चेक कर रहे हैं कि हम शूट कहाँ लेंगे। सो दिस इज द लोकेशन वी आर ट्राइंग टू सी। चेकिंग द शॉट। ये चल रही है, मैं भैया को ये बोल रहा हूँ कि यार भैया अभी आप ये फर्स्ट ट्राई कर रहे हो अपना म्यूजिक वीडियो का, तो एक्टिंग में ही आगे करो, अब आगे ट्राई। यस, ये हमारा फर्स्ट ट्राई ही है एक तरह से, क्योंकि स्क्रीन पे टच वुड, बचपन से स्क्रीन पे लुक अच्छा आता है ऐसा लोग कहते हैं, तो होपफुली इस बार भी काफी अच्छा लुक आएगा और लुक अच्छा आएगा तो सबको अच्छा लगेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ी देखा जैसे शॉट के लिए। छोटे छोटे बच्चे हेलो। सो अभी लुक 2 के लिए रेडी भी हो चुके हैं भैया। सो लुक 1 का हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत अच्छा। डे 2 लुक 2 और आज वाट लगने वाली है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 12 सीक्वेंस करने हैं, जिसमें से भी दूसरे ही चल रहे हैं। फिलहाल 10 बज चुकी है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी कर हर मैदान फतेह, फतेह चौक तक। टास्क बहुत बड़ा है क्योंकि हमको 12 ऐसे सीक्वेंस लेने हैं और 1 घंटे से ज्यादा एक सीक्वेंस ले रहा है। 2 घंटे मिनिमम लग रहे हैं और 1 घंटे के हिसाब से हम ले जाएंगे, 12 घंटे और शाम तक हमारे पास टाइम है। दैट्स इट, 8-9 बजे तक हमें कंप्लीट करना है। यस वी कैन डू इट। ऑलराइट यस। सबका मूड थोड़ा हल्का करते हुए गोविंद सैनी। इसको क्या हो गया? ये काहे के लिए भैया? चेहरे पे तो लाइट आती है ना, यहाँ से रिफ्लेक्टर। इन गांव वी यूज रिफ्लेक्टर। अभी शॉर्ट डिस्कशन चल रहा है कि शॉर्ट कैसे क्या लेना है और यहाँ पे बातचीत चालू है। देखो क्या क्या करना पड़ता है भाई एक शॉर्ट बनाने के लिए। यहाँ पर्दा लगा दिया अभी, ताकि धूप नहीं आए चेहरे पे। इतना आसान नहीं है एक म्यूजिक वीडियो बनाना। गिरीश पुरोहित मेहनत से शॉट क्रिएट करता हुआ। सो कैसे जा रहा शूट? तो कैसे हैं आप लोग? देख रहे हो पेड़ कटवा लिया जीवन में, जूते ऐसे ही कि हमारा पेड़ कट गया। अरे बाप रे, जब जब मुश्किल आती तब तब चीज़ें कुछ अच्छी होती है। डे 2 लुक 3। लुक 3 में मतलब? लुक 3 में कल जो शूट रह गया था। अच्छा, मैं भाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो बेली मार चला गया अर्जुन रामपाल, सर उसकी वजह से मैंने बाहर रखा था बचपन में। अभी लुक भी वैसे ही लग रहा है। और अपन पिक्चर आई थी बाइक में एंट्री मारी, तो दिमाग खराब हो गया था। और अपन ही थी हमारा बनता है इमरान। इमरान
आपको पता है हम बहुत लेट चल रहे हैं अभी हमारे टारगेट से 3 से 4 घंटे हम लोग लेट चल रहे हैं। जिस तरह की प्लानिंग हमने रात में 2:30 बजे की थी, क्या हम ये 4 घंटे कवर कर पाएंगे? देखते हैं हमारे अगले एपिसोड में। हम लोग बेटे बेटा मौज कर दी चले। आप दिख रहे हो सबसे ज्यादा, आप दिख रहे हो सबसे ज्यादा। ये तो खतरनाक रहती है ये। देखिए बिहार में कैसे रहते हैं, हमारी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए, सबकी हालत देखो। आते नहीं हमारे सर, यहाँ पे आर्टिस्ट ही प्रॉपर बन ठन के रहता है बेचारे, हालत देखिए, बेचारा गेम खेल रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, भूखे प्यास से काम कर रहे हैं। बोलो ये हमारे आर्टिस्ट मेनली बहुत काम करना पड़ता है। सो कैसे चल रहा है शूट? बहुत जोर से चल रहा है, मतलब बेहतरीन। देखो पसीने से हो गए और तेज हो रही है, फिलहाल बज रही है दिन के 2:30, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे सीधे शॉट दे देते हैं। अब भूख भी लगी है, 6 सीक्वेंस अभी भी बाकी है, लेट्स सी कैसे होता है। डे 2 लुक 4 तैयार हो देश है। शूज इन्हें पहने जा रहे बच्चे, साल के शूज है इसलिए टाइट पड़ी है। सो गाइज अभी बेटू का शॉट हो चुका है स्कूल का, वो पापा का शॉट देख रहा है। तो चलिए कैसा लगा शॉट देख के? बहुत बढ़िया लगा। एक साल तक तो स्कूल नहीं गए, स्कूल ड्रेस पहन ली। शायद इनको पसंद नहीं आया हमारा आना। तुम पसंद नहीं आ रहे इनको? अब हमारे एक्टर को लगने वाले का सीन, एक्सीडेंट वाले का सीन है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्लाइमेक्स सीन कसौटी जिंदगी, बसौटी सही लग रहा है। अरे एक शूट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक शूट की कीमत तुम क्या जानो? एक सीन की कीमत, सॉरी सीन की कीमत। सो क्लाइमेक्स सीन शूट हो चुका है। बचाने वाली की किरदार तो मालिक की है और जरिया मुझे बनाया। सबसे ज्यादा मेन सीन है जो क्लाइमेक्स सीन हमने सोचा था, बस फिंगर्स क्रॉस जैसा सोचा था वैसा ही शूट हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं और टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास में शूट को कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी किस तरह से शॉट देते हैं। वो इस स्टोरी को पहचानते हैं, वो स्टोरी को पहचानते हैं। अभी हंसना नहीं है, सीरियस एक्टिंग। चेजिंग सीन शायद कंप्लीट हो चुका है, काफी अच्छा रहा वैसे चेजिंग सीन। मैंने फिलहाल देखा नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि भैया ने बहुत अच्छे शॉट्स ले लिए हैं। यहाँ शॉट चल रहा है और इसको देख लो क्या कर रहा है, इसको इसकी पार्टी हो रही है। सो फाइनली गाइस इट्स अ पैकअप, पैकअप। कितनी खुशी हो रही पैकअप होने के बाद? कितनी खुशी हो रही पैकअप होने के बाद? ये खुशी लग नहीं रही है। सो हमारे करता धरता कैमरामैन सर, आप बताइए कैसा लग रहा है पैकअप होने के बाद? थैंक्स टू भैया फॉर हैविंग सो मच पेशेंस। कैसा लग रहा है आपको पैकअप होने के बाद? बहुत ही बढ़िया। हाँ सैनी जी पैकअप बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी भी गर्ल्स हैं कम से कम 70-70 फोटो। इन्होंने मतलब देखो फोटोग्राफर बना दिया, मतलब फोटोग्राफर जाने दे रहे थे भैया दो और भैया एक और। कैसा लग रहा है पैकअप होने के बाद? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा बिहाइंड द सीन, मजा आया कि नहीं? तो होपफुली गाइस आप लोगों को मजा आया होगा बिहाइंड द सीन देखने में, और अब नॉन स्टॉप वीडियोस आते ही रहेंगे क्योंकि फिलहाल हम लोग हैं लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में हमारे पास बाहर जाने का फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे। और जो हमने पोल किया था कल वो बहुत ही अच्छा रहा था, 41% लोगों ने ये कहा है कि वो देखना चाहते हैं डांस ट्यूटोरियल, और 35-38% लोगों ने कहा वो देखना चाहते हैं ब्लॉगिंग। तो हम दोनों लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, सो बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए दिस इज तरुण पुरोहित अलॉन्ग विद सनी पुरोहित। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए। टाटा बाय बाय सायोनारा खुदा हाफिज़।